मुंगेर के जमालपुर स्टेशन परिसर में सुरक्षा व्यवस्था की आज पोल खुल गई। पुलिस के सामने ही चोर ने महिला के बैग से लाखों रुपए के जेवरात लेकर फरार हो गया। दरअसल जमालपुर रेलवे स्टेशन परिसर में आज चोर सिपाही का खेल देखने को मिला। चोर ने पुलिस के सामने से महिला के बैग से 2 सोने का अंगूठी 1 सोने का चेन लेकर फरार हो गया। चोर को पकड़ने के लिए पुलिस पीछे पीछे दौड़ता रहा, लेकिन चोर भागने में कामयाब हो गया। मिली जानकारी के अनुसार बरहचक पाटम निवासी बीमल मंडल अपने बेटा बहू को हावड़ा से लेकर ऋषिकुंड घुमाने आया था। बेटा बहू अपने वृद्ध पिता को बोटिका के सामने कार स्टैंड के समीप बैठा कर टिकट लेने गया था। तभी घात लगाए चोरों ने बैग खोलकर बैग में रखे 2 सोने का अंगूठी 1 चैन लेकर भागने लगा। यह सारी घटना कार ड्राइवर देख रहा था, लेकिन किसी ने इसका विरोध नहीं किया। जब वृद्ध की नज़र पड़ी तो हल्ला करने पर पुलिस पकड़ने के लिए काफ़ी दूर तक खदेड़ा, लेकिन चोर फरार हो गया। वहीं महिला ने थाने में आवेदन दिया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। कहाँ से कहाँ हमको ये हम वहाँ खड़े हैं, यही रखा ये रहा है, आदमी लग सकता है आराम से खोल के आराम से इसको निकाल सभी के सामने ही हुआ। जहाँ तक देखी गई गड़बड़ है, आदमी है, पब्लिक है, सभी लोग बैग रखा रहा, बैग को नीचे गिराया, उसके बाद जो है चैन खोला, सब कपड़ा को बाहर किया, उसके बाद उसे एक बॉक्स में जो उठी रहा गले का चैन रहा सोने का, ये सब लेकर निकल गया। सब लोग यहाँ देखते रह गया, सभी यहाँ देखते रह गया। यहाँ पे ड्राइवर वगैरह जो था वो लोग हाँ सर, सभी सामने था, सभी के सामने ये घटना। कहाँ से कहाँ रहने वाले हैं? बड़े चकवाटम का। कहाँ जा रहे थे? जा रहे थे हावड़ा। हावड़ा ट्रेन पकड़ने के लिए जा रहे थे? आप थे और आपके साथ कौन था? हावड़ा में रहते हैं। नहीं नहीं, आपके साथ वो कौन थी महिला? हमारा बेटा बहू था। बेटा बहू, क्या नाम हुआ आपका? हमारा विमल मंडल हुआ।